इनविजिबल या फिर कह लो अदृश्य वन टैप हेडशॉट टेक्निक। वन टैप का एक ऐसा टेक्निक जिसमें सामने वाला बंदा तुमको देख ही नहीं सकता। देखते पाओ? और इस वन टैप टेक्निक को फॉलो करके अगर तुम सामने वाला एनिमी को मारते हो तो वो सामने वाला बंदा सिर्फ एक वर्ड बोलेगा, जी बिल्कुल। और जैसा कि तुम लोगों को पता है तुम्हारा डार भाई का आदत नहीं है ऐसे बातें हवा में फेंकना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है मेरा दोस्त इस कवर में और मैं हूँ यहाँ पर इस कवर में, ठीक है। अब यहाँ पर गाइस ये वाला वन टैप टेक्निक या फिर कह लो ये वाला मैजिक ट्रिक मैं अपने दोस्त को करने बोलता हूँ और यहाँ पर होता है देखो मैजिक। मारो। यस, इनविजिबल वन टैप हेडशॉट। सामने वाला बंदा मुझे सही से दिखा तक नहीं और उसने मुझे वन टैप तक मार दिया। यस भाई लोग, ये वन टैप टेक्निक बियॉन्ड इमेजिनेशन है। जो अभी के टाइम पे फ्री फायर कम्युनिटी के 99% प्लेयर का तो छोड़ ही दो बल्कि 99% फ्री फायर के खुद इंप्लॉयज को नहीं पता कि ऐसा भी कुछ बग चल रहा है। बट तुम्हारा भाई इस ट्रिक को भी रिपीट करने जा रहा है। बस लाइक है क्या? तो चलो गाइस इस बात पर वीडियो को अभी से लाइक कर दो। और हाँ, जो जो बंदे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इस चैनल पर इस प्रकार के बहुत डेंजरस वीडियोस आते रहते हैं। तो चलो वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सो गाइस, ट्रिक रिपीट करने से पहले उन भाई लोग का दिल से धन्यवाद, दिल से शुक्रिया जिन्होंने मुझे रियलाइज कराया कि भाई डार्क तू एक वांटेड प्राणी है, तू किधर भटक गया है। कभी यूट्यूब में सोशल जोन में आई हुई लड़कियों को कैसे इंप्रेस करे इसका टिप्स एंड ट्रिक्स देता है। सो कभी फ्री फायर गेम में भाई घास को कैसे बड़ा करे इसका टिप्स एंड ट्रिक्स देता है। और भाई लोग सिर्फ एक कमेंट नहीं, अभी के टाइम पे कमेंट सेक्शन में मेरे बस यही चलता रहता है कि डार्क आखिर तू अपना अस्तित्व क्यों भूल चुका है कि तू भी एक हम लोगों की तरह वन टैप प्राणी है। सो वन टैप का वीडियो अभी तो क्यों नहीं डाल रहा है। सो यस गाइस, आई एम सॉरी इसके लिए। पर अब जो वीडियो तुम लोगों को देखने को मिलेगा वो अपकमिंग ट्रिक्स गाइस यूट्यूब में ना अनएक्सप्लेन ट्रिक्स होगा। सो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं रेगुलर अब से। सो यस, वीडियो को लाइक कर दो इस बात पर। सो यस गाइस, अब चलो डायरेक्ट मूव करते हैं आज की वीडियो की टॉपिक पर। अब गाइस बात कर लेते हैं इनविजिबल या फिर कह लो अदृश्य हेडशॉट टेक्निक है क्या। मत को ढूंढ रहे हैं। तो गाइस फ्री फायर में आए दिन ऐसे बहुत सारे बग्स चलते रहते हैं या फिर बहुत सारे ऐसे ग्लिच चलते रहते हैं। सही बात है। तो उन्हीं ग्लिच की लिस्ट में ये भी ट्रिक आता है। अच्छा? और ये ट्रिक काफी ओल्ड है गाइस, बट किसी ने नोटिस नहीं किया था। और ये शायद जाएगा नहीं कभी फ्री फायर से। सो गाइस, ये वाला ट्रिक है क्या, सिंपल सा समझो। अगर सामने वाला बंदा कवर में है और तुम लोग भी कवर में हो, सो गाइस तुम लोग ना इस ट्रिक को यूज करके कवर से बिना निकले ही उसको मार सकते हो। हाँ भाई, सुनने में काफी अजीब लगता है बट ये रियलिटी है। तुम लोग कवर से बिना निकले ही उसको हेडशॉट मार सकते हो और सामने वाला बंदा तुमको देख भी नहीं सकता, लिटरली देख भी नहीं सकता। और एम लेना तो छोड़ ी दो, एम तो ले ही नहीं पाएगा। देख ही नहीं पाएगा तो एम कैसे लेगा भाई। चीटिंग करता है तू। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो मेरा दोस्त इस कवर में है और मैं यहाँ पर हूँ। अब गाइस यहाँ पर मैं अपने दोस्त को कवर में जाने के लिए बोलता हूँ, सो वो सिंपल सा कवर में चला जाता है। अब देखो यहाँ पर गाइस मेरा एम उसके ऊपर नहीं जा रहा, मतलब पूरी तरीके से गायब है, कवर के अंदर है और मैं एम भी नहीं ले पा रहा हूँ उसके ऊपर, ठीक है। बट अब जैसे ही मैं उसको बोलता हूँ फायर करो, फिर देखो क्या होता है मैजिक। फायर, जी बिल्कुल, इसने कवर में रहते हुए ही मेरा खोपड़िया उड़ा दिया एकदम। इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। तो ये कैसा संभव है भाई, कवर से बिना निकले कोई कैसे मार सकता सामने वाले बंदे को। आ जाओ दिखाते हैं। चलो भाई, तो इसके लिए भाई लोग सिंपल सा कुछ स्टेप फॉलो करना है। सबसे पहले एक कवर चूज करना है तुम लोगों को, एक ऐसा कवर जहाँ से तुम सामने वाला ओपोनेंट को स्पॉट कर सकते हो। तो यहाँ पर गाइस एग्जांपल के लिए मैं ये वाला कवर चूज करता हूँ और मैं यहाँ पर ओपोनेंट एनिमी स्पॉट भी कर लेता हूँ। अब गाइस तुम लोग यहाँ पर क्या करते हो, कवर से बाहर निकलते हो, फायर करते हो, फिर कवर में जाते हो, फिर वही प्रोसेस करते हो बार बार। पर गाइस मैं इतना साधारण ट्रिक यूज नहीं करने वाला, मैं यूज करूंगा ये वाला मैजिक ट्रिक। क्या करूंगा मैं यहाँ पर, सिर्फ अपने कैरेक्टर को 2 या 3 कदम पीछे ले आऊंगा, ठीक है। मतलब जो मेरा कवर है, परमानेंट कवर है, उससे थोड़ा पीछे चले जाऊंगा और मुझे ना एक लाइन खींचते हुए पीछे जाना है। मतलब थोड़ा ध्यान में रखना है कि मेरा कैरेक्टर बाहर तो नहीं जा रहा, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान में रखना है। अब देखो गाइस मुझे सामने वाला एनिमी विजिबल है, मैं देख पा रहा हूँ उसको, ठीक है, या फिर आता जाता किसी भी एनिमी को मैं देख सकता हूँ। पर क्या वो देख पा रही है मेरे को? चलो देखते हैं। देखो यहाँ पर सामने से मैं बिल्कुल भी नहीं दिख रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं। पर मैं इजीली एम ले सकता हूँ, मैं इजीली फायर करके हेडशॉट भी मार सकता हूँ। और देखो कैसे मैंने खोपड़िया भी उड़ा दिया। यहाँ पर साइड बाय साइड देखो, इजीली समझ जाओगे, एनिमी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बिल्कुल नहीं दिख रहा, बट मैं इजीली एम ले सकता हूँ, मैं सब कुछ देख सकता हूँ। और अगर फायर करता हूँ तो हेडशॉट भी मार सकता हूँ। सो यस गाइस, ये ट्रिक ना काफी अमेजिंग है भाई लोग। सो गाइस आई होप तुम लोग समझ चुके हो कि ट्रिक को कैसे करना है। ये कोई हैक नहीं है, ठीक है, पहले बता दो, कोई हैक वैक नहीं है, बस एक बग है। तुम लोग भी कर सकते हो, जाकर ट्राई करके देख सकते हो। और ये ट्रिक गाइस तुम लोग सीएस रैंक पुश करते टाइम बहुत ज्यादा यूज कर सकते हो। कवर में रह के सब कुछ देख सकते हो, कवर में रह के ओपोनेंट को नॉक भी कर सकते हो। और गाइस सबसे बड़ी बात, स्नाइपर यूजर्स, ठीक है, जो मतलब स्कोप करके हेड लेता है, उसके लिए भाई सबसे बेस्ट ट्रिक कह सकते हो, सबसे बेस्ट ट्रिक है। वो कवर से भी नहीं निकलेगा बट वो एम ले सकता है, सो उसके लिए सबसे बेस्ट ट्रिक है ये वाली। सो यस, तुम लोग भी जाओ इस ट्रिक को यूज करो। और अगर ट्रिक पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। और हाँ गाइस, एक और चीज, अब से जो भी ट्रिक तुम लोगों को इस चैनल पे देखने को मिलेगा वो सच बता रहा हूँ यूट्यूब में किसी ने पहले एक्सप्लेन नहीं किया होगा। सो यस, इस बात पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।